नमस्कार, मैं अनुपमा, आप देख रहे हैं डब वाली केसरी। इस वक्त हम मौजूद हैं डब वाली के नागरिक अस्पताल में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि नागरिक अस्पताल में रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है। आपको बता देगी सतलुज पब्लिक स्कूल के संस्थापक शिक्षाविद दिवंगत सतीश शर्मा की 32वीं पुण्यतिथि पर आज यह रक्तदान का आयोजन किया गया है। वहीं सहारा जन सेवा के सहयोग से यह रक्तदान लगाया गया है। तो आइए अंदर चलते हैं और जानते हैं कि ये रक्तदान जो शिविर लगाया गया है वो किसकी प्रेरणा से लगाया गया है और कितने यूनिट अब तक जो है रक्तदान हो चुका है। सतलुज पब्लिक स्कूल के सचिव मौजूद हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम? मैं सत्य प्रकाश यादव, मैनेजिंग डायरेक्टर सतलुज पब्लिक स्कूल। सर, जो ये आज शिविर लगाया गया है, क्या मोटिव है इसका लगाने का? ये स्वर्गीय सतीश शर्मा ने इस डबवाली में उस समय एक ऐसा विद्यालय चलाया था, उनकी ऐसी सोच थी कि डबवाली इलाके में एक ऐसा विद्यालय चलाया जाए जहां इंग्लिश मीडियम, डे बोर्डिंग और छात्रावास वाली सुविधाएं बच्चों को प्राप्त हों, ताकि यहां के क्षेत्र का शिक्षा में विकास हो और उस शिक्षा में बच्चों को इतना विकसित बनाया जाए कि वो देश के एक अच्छे नागरिक बने और उसमें शिक्षा में कहीं भी पैसे का मूल्यांकन ना हो, मतलब मिनिमम प्राइस में और मिनिमम फीस में बच्चे पढ़ाओ ताकि शिक्षा का प्रचार हो और देश का विकास हो, उनकी ऐसी ये सोच थी। आज मैं स्वर्गीय सतीश शर्मा की 32वीं पुण्यतिथि पर ये जो रक्तदान शिविर लगाया है, ये लगभग हम 15 वर्षों से लगातार रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं। उनको विद्यालय चलाने में बहुत थोड़ा समय मिला और मैं उनके शुरुआत में उनके साथ था। 14 अप्रैल 1983 में विद्यालय खोला गया और 28 अक्टूबर 1988 को उनकी दुर्भाग्यवश देहांत हो गया। वो ये छोटा सा पौधा यहाँ लगा के चले गए। उनकी सोच थी कि विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त हो। उनकी प्रेरणा से, डावाली के लोगों के सहयोग से और हमारे अंथक प्रयास, हमारी उनकी प्रेरणा और प्रयास से विद्यालय को 1992 में CBSE से मान्यता प्राप्त की। दुर्भाग्यवश जब डावाली में विषम अग्निकांड हुआ तो उनकी धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल शर्मा वो अग्निकांड में शहीद हो गई। छोटे छोटे उनके दो बच्चे थे, जो एक मोहित और सोहित। मोहित के जब फादर की डेथ हुई उस समय वो 2 साल के थे और सोहित 5 महीने का था। जब मदर की डेथ हुई तो मोहित 7.75 साल का था और सोहित 5 साल का था। उन बच्चों को पालने में, उनकी एजुकेशन में और विद्यालय चलाने में एक सोच मैंने रखी कि उनका जो सपना था उसको मैं पूरा करूंगा। यही मेरी तरफ से और डावाली के लोगों की तरफ से श्रद्धांजलि है कि उनका लगाया पौधा आज विकसित हो रहा है। और पुण्यतिथि पर रक्त शिविर लगाने का जो प्रेरणा कहाँ से मिली? ये जिस समय हमने ये शुरू किया था, लगभग 92-91 का एक टाइम था, उस समय यहाँ डावली में रक्तदान युवा सोसाइटी बनी हुई थी और उनके जो मेंबर्स थे, उनके पदाधिकारी थे मिस्टर दीपक गर्ग, उन्होंने जन सहारा एक क्लब बनाया हुआ था। वो लावारिस मुर्दों का संस्कार करते थे, घायलों को दवाई दिलवाने का प्रोजेक्ट था उनका। तो वहाँ से ये प्रेरणा मिली कि भाई रक्तदान एक ऐसा महादान है। रक्त कभी कहीं किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, किसी फार्मूले से नहीं बनता, ये आदमी व्यक्ति से मिलके ही व्यक्ति को काम आएगा। किसी को अगर हम जीवन प्रदान करते हैं तो रक्तदान से ज़्यादा कोई अच्छा दान नहीं है। इस सोच के साथ मैं इस कार्य को अपना निरंतर चला रहे हैं और चलाने की कोशिश करूँगा और उनको श्रद्धांजलि मेरी है मिस्टर निर्मल शर्मा और स्वर्गीय सतीश शर्मा को कि भाई मैं आपका जो ये दिखाया गया मार्ग, उस पर चलकर विद्यालय को और विद्यालय परिवार को अच्छी तरह से विकसित कर सकूं, ये मेरी सोच है। हमारे साथ सहारा जन सेवा शाखा डब्वाली के प्रधान भी मौजूद है, आइए उनसे बातचीत करते हैं। जी सर, क्या नाम? दीपक रघुवंशी। सर, आज रक्तदान शिविर लगाया गया है, क्या कहना चाहते हैं? मैडम, हम हर साल स्वर्गीय श्री शर्मा की याद में पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर लगाते हैं, कई सालों से रेगुलर ये चल रहा है। कितना का रुझान देखने को मिलता है इस रक्तदान शिविर में डब्वाली की जो जनता? बहुत रुझान देखने को मिलता है, पहले के मुकाबले बड़ी जागरूकता है लोगों में। 15
15 साल हो गए हैं, कितने के लोग आ जाते हैं यहाँ पे? जब लास्ट की बात करें, लास्ट कितनी बार लगाते हैं, साल में कितनी बार लगाते हैं? हर साल लगाते हैं जी, इस तारीख को 28 तारीख को परमानेंट लगवाते हैं जी। करीब 100 के करीब डोनर हो जाते हैं। 100 के करीब कितना? 100 यूनिट हो जाता है मैडम। तो अब कब से शुरू हुआ है ये रक्तदान? रक्तदान सुबह 10 बजे से शुरू है। अब कितनी यूनिट हो चुका है? 33 हो चुके हैं मैडम। 70वीं बार इस बार रक्तदान किया है, तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर क्या नाम? माई सेल्फ राज कपूर, डॉक्टर राज कपूर। माई प्रैक्टिस मेडिकल प्रैक्टिस है मेरी। अभी हमें पता लगा कि आपने 78वीं बार जो है वो रक्तदान किया है। हम पहले पूछना चाहते हैं कि सर पहली बार आपने कब? आई डोनेटेड एट मेडिकल कॉलेज रोहतक इन 1972 फर्स्ट टाइम। आफ्टर दैट आई गो ऑन। सर आपको रक्तदान करने की इतनी पुरानी, आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? बहुत समय की बात है, अब तो चलो ये ट्रेंड में आ गए। पढ़ते थे कॉलेज में रोहतक, वहाँ उन्होंने हमारी क्लास में आ गए कि ब्लड लेना है। हमने ब्लड दिया, पर ऐसा लगता था हम में से कुछ निकल गया। पहले पता, उम्र भी बहुत छोटी थी, पता भी नहीं था ब्लड कैस क्या होता है। अंदर से निकल गया तो बहुत बड़ी चीज़ निकल गई। पर उसके बाद मैं आई थिंक 12-13 साल साइलेंस रहा। जैसे जहाँ डबली में गोलीकांड हुआ बाटरबॉक्स पर, उस टाइम मैं सबसे पहले पहुँचा ब्लड देने के लिए। ब्लड देने के लिए सबसे पहले पहुंचा, फिर उसके बाद मैं नहीं रुका। जैसे जब कोई ज़रूरत पड़ती, पहले आप तो जो कैंप लगते हैं, पहले डायरेक्टर देते थे। वो डायरेक्टर कोई कहता डॉक्टर साहब ब्लड चाहिए, चलो तो भी चाहे 2 महीने होते चाहे 4 महीने होते, मैं ब्लड दे देता था। बहुत से लोग, मुझे अच्छा लगने लगा ना ब्लड देना। बहुत से लोग ब्लड डोनेट करने से डरते हैं, हमारे ब्लड का कहाँ यूज़ होगा, क्या नहीं होगा, तो इस भ्रांति को दूर करने के लिए आप क्या? उनमें कम्प्लेक्स होता है साइकोलॉजिकल, उनके विचारधारा ऐसी बन जाती है कि ब्लड देने से हमें हेल्थ की हानि होगी। तो जैसे ही ब्लड दिया जाएगा ना, उससे कोई ना कोई बेनिफिट होंगे। साइकोलॉजिकल अगला बिल्कुल डिटरमिनेशन है उसका, और हेल्दी है, साउंड स्लीप लेता है, अच्छे विचार हैं। ही कैन डोनेट ब्लड लाइक मी अप टू 70 आल्सो। सर आपने 78वें और अब रक्तदान किया है, तो इससे कोई कमज़ोरी फील होती है जिससे आपको लगता हो कि हाँ नहीं? मुझे कोई कमज़ोरी नहीं फील होती, और किसी को भी नहीं होनी चाहिए। ब्लड देने से कभी कमज़ोरी नहीं होती। एक हेल्दी पर्सन में 5 से 6 लीटर तक ब्लड होता है। ये 450 और 350 निकलता है, वो कि पानी पीने से 1-2 दिन में पूरा हो जाती है क्वांटिटी तो, पर हेमोग्लोबिन 2-3 महीने में पूरा हो जाता है। सर रिकवरी हम मान सकते हैं कि 2-3 महीने में पूरी? 2-3 महीने में हेमोग्लोबिन, जैसे किसी का 10 है तो 2-3 महीने बाद 10 फिर हो जाएगा, किसी का 14 है तो 14 हो जाएगा, और क्वांटिटी तो उसी टाइम पूरी होती है 1-2 दिन में। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ डॉक्टर राजकुमार, जिन्होंने बताया कि उन्होंने 78वीं बार जो रक्तदान किया है। आपने देखा होगा कि यहाँ रक्तदान शिविर लगाया गया है सिविल हॉस्पिटल में। तो आगे ही ऐसे ही अपडेट जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें।